ऑलराइट सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक यू आश्रम के लिए एंड हमने आश्रम देखी तो हर कोई अप्रिसिएट कर रहा है एंड जितने भी कैरेक्टर हैं लोगों को बहुत ही पसंद आ रहे हैं सो आप बताइए कि अनुरीता जी की कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस आश्रम का आश्रम सबसे पहली बात तो इट्स अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी क्योंकि प्रकाश झा सर के साथ काम करने का मौका एक एक्टर को मिल जाए तो उससे कोई बड़ी बात नहीं हो सकती एंड आई लिटरली चेज्ड हिम फॉर दिस रोल आई सेड सर मुझे एक कोई भी रोल चाहिए बिकॉज आई गॉट टू नो फ्रॉम सम पीपल दैट वो ये वेब सीरीज़ बना रहे हैं एंड उनकी पहली वेब सीरीज़ थी सो इट वुड बी लाइक यू नो मतलब जब तक मैंने प्रकाश झा सर के साथ काम नहीं किया था मुझे पता नहीं था द हिज डेडिकेशन इज़ मतलब आई हैव नेवर सीन एनीबडी सो डेडिकेटेड तो मैंने सर को फ़ोन कर करके सर मुझे कुछ प्लीज़ एक रोल दे दीजिए प्लीज़ एक रोल दे दीजिए एंड देन ऑलरेडी कास्टिंग हो चुकी थी फिर जो कविता का रोल है ये इतना प्रॉपरली नहीं लिखा हुआ था एंड इट वॉज़ नॉट अ प्राइमरी कास्ट सो बट फिर सर ने मुझे बोला कि अपने शोरील भेजो कुछ है काम मैंने कहा हाँ प्लीज़ देन आई सेंड हिम माय शोरील एंड फिर श्रुति महाजन जो है हमारी कास्टिंग डायरेक्टर उनका फ़ोन आया दैट सर वांट्स यू टू डू दिस रोल आई वाज वेरी एक्साइटेड फिर उसके बाद कविता का जो कैरेक्टर है वो प्रॉपरली लिखा गया बिकॉज देन द होल टीम सेड नाउ शी इज़ अ गुड एक्टर वी कांट जस्ट वेस्ट हर एंड इट गिव्स मी इमेंस यू नो प्लेजर एंड यू नो आई फील सो प्राउड दैट मुझे प्रकाश झा सर एक अच्छा एक्टर मानते हैं ये बहुत बड़ी बात है तो एंड आप देख सकते हैं एवरीबडी इज़ लविंग द होल यू नो वेब सीरीज और उसको इतना अप्रिसिएशन मिल रहा है ऑल दैट या एंड बहुत बड़ी स्टार कास्ट है सो जैसा कि आपने बताया कि प्रकाश सर के साथ उनकी पहली सीरीज है और आप उनके साथ आपका और भी बहुत बड़ी स्टार कास्ट है अदिति जी हैं अनुप्रिया गोयनका जी हैं और बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गज कास्ट हैं तो और बताइए कि सभी के साथ का कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था द बेस्ट पार्ट अबाउट इज़ यहाँ पे कोई स्टार नहीं था सबसे बड़े स्टार थे प्रकाश झा सर यू नो एंड उनके सामने सबकी चुप्पी निकल जाती है नोबडी सेज नथिंग इन फ्रंट ऑफ हिम बिकॉज ही नोज हिज वर्क सो वेल सो अदिति या फिर दर्शन या फिर अनुप्रिया सबके साथ काम करके बहुत मज़ा आया बिकॉज हम लोग सेम ही एज ग्रुप के लोग हैं एंड यू नो व्हेन यू हैव यूथ इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ कनेक्शन लाइक सेम एज ग्रुप के पीपल की एनर्जी बहुत अच्छी थी बहुत मज़ा आया वी यूज टू चिल टुगेदर सेम एक ही होटल था अयोध्या में वहीं पे सब रह रहे थे और सब सीन्स वी यूज टू प्रिपेयर एंड सिट एंड टॉक अबाउट द कैरेक्टर्स और या इट वॉज एक्चुअली अ लॉट ऑफ फन बिकॉज इवन शूटिंग के टाइम पे जैसे मेरे काफ़ी सीन्स हैं अदिति के साथ जो कि आप आगे देखेंगे इट्स नॉट सीजन टू इट्स सीजन वन पार्ट टू या सीजन टू विल हैपन नेक्स्ट ईयर सो उसमें भी लाइक वी यूज टू रियली टॉक कि इक्वेशन क्या है हमारी केमिस्ट्री क्या है व्हाट इज़ द रिलेशनशिप दैट मी एंड अदिति हैज़ सो वी एक्चुअली वर्कड ऑन दैट एंड आप देखेंगे तो आपको ऑन स्क्रीन वो दिखेगा इट्स अ वेरी नॉन अटैच्ड बट येट मतलब इट्स अ वेरी स्वीट रिलेशनशिप एज टू जो दो लड़कियां हैं जो मजबूर हैं और उनके साथ हाउ दे हेल्प ईच अदर इट्स लाइक दैट या ओके जैसा कि आश्रम में दिखाया भी गया है ना आपका कैरेक्टर भी और आपने बताया कि हम ऐसा देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे आश्रम हैं एंड कुछ टाइम में ऐसे न्यूज़ में खबरों में आता भी है कि आश्रम में कुछ ऐसे लोग थे जो वहाँ से निकलना चाहते थे लेकिन उनको किल कर दिया गया और आश्रम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहाँ से भागना चाहते हैं जैसा कि आपका कैरेक्टर आपको भी वहाँ से निकलना है तो जिस रियल लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे चीज़ें होती हैं बहुत सारी जगह हैं जो लोग वहाँ से निकलना चाहते हैं लेकिन उन्हें वहाँ से निकलने नहीं दिया जाता उस दुनिया में जाने के बाद तो ऐसे लोगों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप जैसा कि आपका कैरेक्टर भी आपने तो उसे स्क्रीन पे भी दिखाया सो सी मेरा जो कैरेक्टर है कविता उस वो भागती है कोशिश करती है भाग के घर वापस जाती है बट उसकी फैमिली उसको सपोर्ट नहीं कर रही है तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है वापस जाने का पर ये एक अंधविश्वास है जो कि माँ बाप अपने बच्चों को देते हैं वो अपने बच्चों को देते हैं और ये चलता जाता है इसकी वजह से जो एक
एजुकेट करना जो बच्चों को ज़रूरी है और फाइनेंशली इंडिपेंडेंट जो बनाना होता है वो सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पैसे कमा रहे हैं तो आप कहीं भी स्टक नहीं हो सकते हैं। आप कहीं मतलब आप कहीं आश्रम से भाग के जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। आई एम जस्ट सेइंग कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो किसी आश्रम में जाके फंसना ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि आप फिर मतलब इमेजिन देन यू आर डेस्परेट कि आपको ऐसी अपनी लाइफ में खुशी चाहिए या सॉल्यूशन चाहिए कि आप ऐसी जगह जाके किसी और को अपनी पूरी लाइफ मतलब वो पूरी लाइफ अपनी दे रहे हैं कि आप मेरी लाइफ चलाओ। ये तो मतलब इसका मतलब है उस इंसान की कोई बेस ही नहीं है। दे डोंट हैव एनी स्ट्रेंथ, दे डोंट हैव एनी बैकिंग, एंड दैट्स व्हाई दे गो टू एन आश्रम टू यू नो फाइंड आंसर्स एंड फाइंड हैप्पीनेस, विच इज़ ओके, वी ऑल डू। बट अगर समझ में आ जाए कि ये गलत है तो वहाँ से निकल पाना तभी मुमकिन है जब आपके पास एक सपोर्ट सिस्टम हो, या तो अपनी खुद की फैमिली हो या फिर आपका खुद का फाइनेंस होना बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू अर्न फॉर योर ओन सेल्फ, जो कि मुझे लगता है कि मेरी मम्मी ने मुझे बहुत बचपन में सिखाया था, दैट चाहे कुछ भी हो जाए यू शुड अर्न योर ओन मनी सो दैट यू डोंट डिपेंड ऑन एनीबडी एल्स। एंड मैं यही आज की यूथ को या फिर स्पेशली लड़कियों को, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अर्न योर ओन मनी एंड टू बी इंडिपेंडेंट। आई एम नॉट सेइंग कि आप घर में कलेश कर दो, बट यू हैव टू अर्न योर ओन मनी सो दैट आपको अपनी बेसिक एक जो नेसेसिटीज़ हैं उसके लिए यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन समबडी एल्स। दैट्स व्हाट आई थिंक। एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो सोशल मीडिया पर भी ऐसे बहुत सारे लोगों ने ऐसे सवाल पूछे इस आश्रम से रिलेटेड, एंड आपने भी पढ़ा होगा एंड प्रकाश सर से भी बहुत सारे सवाल पूछे थे कि क्या ये जो आश्रम, ये जो सीरीज है, ये आशाराम बापूर जी के ऊपर या उनके इर्द गिर्द ऐसे इसी तो काम किया है? मैंने काम किया है, लेकिन पहली पहली बात तो मैं ना न्यूज़ एक्चुअली नहीं देखती हूँ, जेन्युइनली नहीं देखती हूँ, बिकॉज आई थिंक इट्स टू मच ऑफ नेगेटिविटी बहुत। बट जो सच है वो है, बट आई डोंट रियली नो कि ये किसके ऊपर आधारित है। ये आधारित है लोगों के अंधविश्वास के ऊपर, कि लोग अपने अंधविश्वास को कैसे इतना बड़ा कर देते हैं कि उसके आगे उनको कुछ भी नहीं दिखता। जैसे कि इसमें जो बाबा हैं, निराला बाबा हैं, क्योंकि उनको आस है कि हमारा यही सब कुछ कर देंगे, तो वो उस चीज़ पर खेल रहे हैं, उस चीज़ को यूज़ मिसयूज़ सब कर रहे हैं, यू नो। सो ये लोगों का अंधविश्वास है जो किसी एक इंसान को बहुत बड़ा बना देता है। ऐसे हमारे रियल लाइफ में जितने भी बाबा हैं, हम ऐसे आए दिन सुनते रहते हैं यहाँ पर सत्संग चल रहा है, ये वाले बाबा हैं वहाँ जाना चाहिए, वो बाबा है बहुत ही अच्छा आशीर्वाद देते हैं, आपका फ्यूचर देखते हैं, इन सारी चीजों में कितना बिलीव करती हैं आप? देखिए, आपको आपका फ्यूचर ना कोई बता नहीं सकता है, क्योंकि हाथों की रेखाएं जो है ना वो बचपन से लेके मरने तक बदलती रहती हैं। ये आपके कर्म होते हैं, आप जितना मेहनत करेंगे, जितने पॉजिटिव रहेंगे, मेहनत से भी ज़्यादा जो दिमाग होता है उसको आप किन चीज़ों से इन्फ्लुएंस करने देते हैं वो सबसे ज़रूरी है लाइफ में। अगर आप सुबह उठ के सबसे पहले न्यूज़ चैनल खोल के सारे नेगेटिव न्यूज़ देखेंगे तो योर होल डे इज़ गोइंग टू बी लाइक दैट। बट इफ़ यू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड you feed yourself with positive thoughts, positive se zyada what is your goal in life and what is it that you want to see in life, to aapko see ek support ki zarurat pad sakti hai, but baba, like I also meditate, I follow a guru, but hamare yahan you don't have to go to an ashram or something, you sit at your own home and you meditate, that is or actually jo ye jo kachra phailaya hai jo फेक बाबाज ने हैं वो, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, यू नो, गुड बैड एवरीथिंग एग्जिस्ट्स। सो ऐसा नहीं है कि असली बाबा या असली योगीज नहीं हैं, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान जो है वो उसके लिए जाना जाता है, लोग पूरी दुनिया से सच की खोज में यहाँ आते हैं और मिलता भी है, लेकिन वही है कि आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए कि आप मुश्किल होता है, इट्स नॉट ईजी, क्योंकि खुद पे एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है। ऐसा नहीं है कि आपको किसी ने बोला लड्डू खा लो तो आपको उससे निर्वाणा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको बैठ के ध्यान करना पड़ेगा या आपको पढ़ना पड़ेगा या आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, तो इट्स अ सोलो जर्नी। तो अगर आप किसी को क्विक फिक्सेस चाहिए तो इट्स नॉट फॉर देम, देन यू कैन डू वट एवर, यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट या आपके दोस्तों का क्या रिस्पॉन्स था? दे आर वेरी हैप्पी। अच्छा, सी द थिंग इज,
उनको पता है इट्स अ सीरीज, इट्स अ फिक्शन, राइट, सेमी फिक्शन. सो मेरा मेरे लिए तो दे आर वेरी वेरी हैप्पी बिकॉज दे हैव सीन मी वर्क हार्ड. काफ़ी खुश हैं एंड एवरीबडी इज़ कॉलिंग मी फ्रॉम लाइक बिहार एंड एवरीवेयर. लाइक पता नहीं छोटी छोटी जगहों से लोग मुझे इंस्टाग्राम पे, बिकॉज मेरा नंबर सबके पास नहीं है, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, दे आर सेंडिंग मी कॉन्स्टेंटली मैसेजेस एंड इट्स वेरी ओवरवेलमिंग. सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू प्रकाश झा सर फॉर टेकिंग गिविंग मी दिस रोल. तो हम ऐसा माने कि सीजन 1 का पार्ट 2, क्योंकि जो एपिसोड 9 में हमने देखा, हाँ, आपने देखा होगा, करेक्ट, आने वाला है. या सो वो कब तक आ जाएगा और उसका सीजन 1 का पार्ट 2 कितना बेसब्री से इंतजार है? मुझे तो बहुत बेसब्री से इंतजार है. हमने अब जस्ट डबिंग फिनिश की है उसकी, पार्ट 2 की डबिंग. अब सीज़न 1 पार्ट 2 की डबिंग फिनिश की है, बट इट्स ऑल्सो अ ह्यूज, आई थिंक 9 एपिसोड होगा ही, बिकॉज फर्स्ट इज, बट वी डोंट एग्जैक्टली नो कि कब आएगा, बट आई डोंट थिंक सो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, एक आध महीने में आ जाना चाहिए. बट आई थिंक एवरी बडी हु हैज सीन इट, दे आर आस्किंग मी सीज़न पार्ट 2 कब आ रहा है, सीज़न 2 कब आ रहा है. एंड मतलब इट्स लाइक जो बाहुबली फिल्म में आई थी उसमें एक सवाल था, कटप्पा को किसने मारा या पता नहीं क्या था, और वैसे ही ये सवाल पूछते रहते हैं लोग कि सीजन 2 कब आएगा. सो इट्स लाइक वेरी नाइस फीलिंग. या एंड बहुत सारे लोगों का ऐसा भी कहना है कि लॉकडाउन में, ये लॉकडाउन के इर्द गिर्द ये कहीं ना कहीं सीरीज आई है, हाँ. तो हमारे लिए अच्छा इंटरटेनिंग हो गया, हमारे लिए अच्छा ये हो गया. सो आप बताइए कि लॉकडाउन ये जो 6 मंथ या जितने भी टाइम था, फिफ्थ या फोर्थ या जो जब भी, हालांकि दो मार्च से जुलाई फॉर श्योर, 2-3 मंथ एटलीस्ट डेफिनेटली अपने घर में ही किया, तो आपने ऐसे क्या कुछ आपने अपने लाइफ में ऐसे फेस किया? क्योंकि हम एवरीडे, चाहे वो आर्टिस्ट हो, मीडिया हो, एवरीडे हम घर से बाहर जाते हैं, काम करते हैं, लेकिन सडनली अगर हमने ऐसे लाइक ऐसे स्टैंड स्टिल कर दे, करेक्ट, तो कैसे आपने उस टाइम को, उस पीरियड को कैसे फेस किया? सो एक्चुअली 2-3 चीज़ें हैं जो मैं हर रोज़ करती हूँ, और उसकी वजह से मुझे इतना समझ में नहीं आता कि और क्या करूँ. इस मतलब दो ज़्यादा थिंग्स दैट आई डू ऑन अ रेगुलर बेसिस. सो मेरा एक रूटीन है, और जब लॉकडाउन हो गया तो मैं और स्ट्रिक्ट हो गई अपने रूटीन के साथ, यू नो, बिकॉज इफ़ यू डोंट हैव अ रूटीन देन इट्स वेरी ईजी टू गेट स्ट्रे, यू नो, इट जस्ट वेरी इजी टू गेट एस्ट्रे. मतलब आप फिर 24 मतलब दिन भर टीवी देख रहे हैं, या यू नो यू जस्ट बिंज वॉचिंग, और रात भर उठ जग रहे हैं, लेट उठ रहे हैं. मेरा ऐसा नहीं, मैंने टोटली अपने आप को और डिसिप्लिन कर लिया. मैं सुबह 6 बजे उठती थी, आई यूज टू गो फॉर माई रनिंग, मैं अपना एक्सरसाइज करती थी. लॉकडाउन के टाइम मैं इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई, बिकॉज आई स्टार्टेड डूइंग अ लॉट ऑफ वर्कआउट वीडियोज एंड आई स्टार्टेड पोस्टिंग इट, और मैं ध्यान करती हूँ, मैं उसमें मेरा बहुत टाइम जाता है. और एज एन एक्टर आई डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड आई राइट. सो मेरी राइटिंग में मुझे दिन के 4-5 घंटे तो आराम से, इट जस्ट यूज टू गो, और बिकॉज कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता था तो आई कुड एक्चुअली फिनिश माई स्क्रिप्ट फास्टर. एंड देन या एक्चुअली शुरू में लॉकडाउन में आई यूज टू गेट वेरी टायर्ड, बिकॉज बहुत फ़ोन आते थे, और जो जितना हम नॉर्मली फ़ोन पर बात नहीं करते थे, शुरू में आई यूज टू टॉक अ लॉट, 1-1 घंटा तो मेरा मतलब आई यूज टू लाइक वॉट इज हैपनिंग, देन आई हैड टू कट डाउन द कॉल्स एंड ऑल दैट. बट I didn't find it very difficult. Now I am bored. Now I want to go out. Yeah, because so, lockdown ke dauran aisi koi nayi activities yeah. Sikhi hai, yeah, jaise yeah. ki cycling. Maine nayi cycle kharidi aur main aaj ki date mein 90 km cycle chala ke aati hu. So there is a group of people jinke sath main cycle karti hu Thane se, and something interesting is going to come out very soon on cycling also. So main bataungi aapko. ऐसे आई डोंट नो आपने ऐसे पढ़ा कि नहीं पढ़ा, लेकिन ऐसे जब एमएक्स प्लेयर पर जब ऐसे आपकी सीरीज जब ऐसे ऑन एयर है तो उसमें ऐसे कमेंट्स भी आते हैं, सो उसमें ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि बहुत फनी कमेंट्स था कि आपको हमने ऐसे इसमें स्क्रीन पर हमने ऐसे साड़ी में और ऐसे झाड़ू पोछा करने वाले हमने ऐसे देखा सीरीज में, नॉट रियल लाइफ में. तो ऐसे रियल लाइफ में अनुरीता जी को कितना ऐसे ऐसे मतलब खाना बनाने आता है, ऐसे रोटियां बनाने, बेल वो ऐसे राउंड वाली? हां बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा वो मैंने कमेंट ऑफ कोर्स पढ़ा था, तो आप बताइए कि सो आई वॉज लाइक यू नो प्रकाश झा सर ने मुझे ट्रेन कर दिया लॉकडाउन के लिए पोछा लगा लगा के, बिकॉज इन द लॉकडाउन देयर वाज नो हाउस हेल्प. बट या आई मीन आई एम नॉट गेटिंग टू दैट, बट ऑफ कोर्स सी आई हैव लिव्ड इन अ जॉइंट फैमिली इन पटना. जब मैं 10th 11th में थी तो मैं पटना में रही थी, और वहाँ पे मतलब हम सब एक्चुअली वी कम फ्रॉम अ वेरी सिंपल फैमिली, और सिंपल फैमिली में ऐसा नहीं है कि खाना बनाना होता था,
बट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी चाची लोग के साथ बैठ के मैं बहुत सारी रोटियां बनाती थी. एक बार में हम 30-30 रोटियां बनाते थे. हाँ, तो ऐसे एक के ऊपर एक चार रोटियां एक साथ बनाओ फिर एक एक को. तो वो सब किया है. ऑफकोर्स आई कुक वेरी वेल बट आई डोंट इन्जॉय कुकिंग. और ये चीज़ मुझे लॉकडाउन में और कन्फर्म हो गई कि खाना जब बस ज़रूरत के लिए बना लो. इट्स नॉट लाइक आई डोंट लाइक इट. या खाना बनाने आता है आपके? सब आता है मुझे. खाना बनाने एवरीथिंग ऑफकोर्स. सो आपके फैंस को तो बेसब्री से सीजन 2 का पार्ट 2 का इंतजार तो है ही. साथ ही साथ और भी जो आपके कुछ एक सीरीज आने वाली है तो अगर आप बता दीजिए. हॉटस्टार पे परिवार आ गई है और उसमें मैंने बहुत अच्छे एक्टर्स के साथ, जैसे आश्रम में सारे यंग एक्टर्स हैं, परिवार में सारे मुझसे पहले के जेनरेशन के एक्टर्स हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त एक्टर्स हैं, जैसे कि गजराज राव, यशपाल शर्मा, विजय राज, सादिया सिद्दीकी एंड रणवीर शौरी. तो मुझे इनके साथ काम करने में ना मतलब मेरे हाथ पैर फूल जाते थे बिकॉज दे आर सच गुड एक्टर्स एंड दे वुड दे आर वर्सेटाइल एंड दे आर सो गुड एट इम्प्रोवाइजेशन. मतलब ऑन सेट दे यूज टू इम्प्रोवाइज एनी सीन फ्रॉम एनी वेयर टू एनी वेयर एंड आई यूज टू जस्ट वंडर कि मतलब मैं ऐसी एक्टर कब बनूंगी, यू नो. So, but it was really fun and a lot of learning. Parivar is abhi chal raha hai. It's streaming on Disney Hotstar. Aur it's a comedy drama. Aur sabko bahut pasand aa raha hai. People are actually loving it. Again, uske liye bahut sare message aa rahe hai. Because see, both are two diverse roles. Ashram and Parivar. One is like hardcore, sad and drama and dramatic and stuff. And the other one is comedy drama. So yeah, I'm glad कि एक दो महीने के अंदर लोगों को मेरे इतने variations देखने को मिल रहे हैं. So जल्द I hope कि जल्दी सिनेमाघर भी खुलने वाले हैं. हाँ. So हम आने वाले दिनों में ऐसी कोई धमाकेदार फिल्म है. Yes. So there's a film that I've done, Rocketry, which has been directed by R. Madhavan. उसमें शाहरुख खान भी हैं. उसमें मैं भी हूँ. So I am hoping, और ये 3 या 4 countries में shoot करी है R. Madhavan सर ने, मैडी सर ने. एंड इट वॉज अ डिलाइट टू वर्क विथ हिम. ही इज सच अ ग्रेट डायरेक्टर एंड अ को एक्टर ऑफ कोर्स. सो या आई एम होपिंग फॉर दैट. देन देयर इज अनदर फिल्म हेलमेट. तो एज एंड व्हेन इट कम्स यू विल नो. सो शूटिंग स्टार्ट हो गई है यू एंड शाहरुख खान? नहीं, मेरे शाहरुख सर के साथ सीन्स नहीं है बट वो उस फिल्म में है. ही इज ऑल्सो हैज या इट इज डन. इट इज डन. या आई थिंक सम पार्ट्स वुड बी लेफ्ट बट mostly it's done. So कब तक आ जाएगी वो सिनेमा घरों में आपके अंदाज़ से? I don't know. मैरी सर से पूछे आप. January Feb. I have no idea. But 2021 में तो आ ही जाएगी because I think it should come out. Yeah. Alright. And present time में हम देख रहे हैं अनुष्का जी कि एक एक्टर जो होता है वो अब इन दिनों जो है हम देख रहे हैं बहुत सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गया, बहुत सारे काम करने लगा क्योंकि हम देख रहे हैं एक एक्टर जो होता है वो डायरेक्टर भी हो गया, एक एक्टर जो है आई नो सिंगर भी हो गया, कंटेंट क्रिएटर एक्टर. या तो इसके एक्टिंग के अलावा अनुरिता जी को और इन फील्ड में ऐसे कुछ इंटरेस्ट है? सिंगिंग का? सिंगिंग आई सिंग प्रीटी वेल एज जो लोग बोलते हैं बिकॉज मैंने बचपन में क्लासिकल सिंगिंग सीखी है. और पहले मैं बहुत शाय थी तो इंस्टाग्राम वगैरह पे नहीं डालती थी बट सोशल मीडिया में अब डालने लगी हूँ बिकॉज एक दो बार ट्राई किया तो काफ़ी सारे फ्रेंड्स थे. मैंने पहले उनको भेजा कि मैं डालूँ एंड देन सेड हाँ हाँ बहुत अच्छा गा रही, डाल दे. सो देन इट आई स्टार्टेड गेटिंग लॉट ऑफ अप्रिसिएशन सो आई स्टार्टेड पुटिंग इट. सिंगिंग इज़ व्हाट आई डू. आई लव राइटिंग जैसे मैंने बोला. और कंटेंट क्रिएटिंग का मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बस का नहीं है. तो मतलब आई कॉन्ट गिव टू मच टाइम एवरी डे टू डू दैट. इट्स वो एक अपने आप में एक जॉब है, यू नो. आप लिखिए, उसको शूट करिए, एडिट करिए एंड ऑल दैट. मुझे ऐसा लगता है मैं एक्टर हूँ और राइटर हूँ इवेंचुअली. तो मेरे लिए वो बहुत है. बहुत सारे हैं. एक हो तो बताओ. आजकल क्योंकि परिवार का जो एंड क्रेडिट्स है ना उसमें एक देवानंद जी का गाना चल रहा है, प्यार किया दिल ने, याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, झूमती बहार है कहाँ हो तुम. तो वही गुनगुना रही हूँ आजकल. हमारे लिए भी गुनगुना सकती है अपने व्यूअर्स के लिए. सीरियसली? यस. ओके.
आई एम ओके 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 आई होप इट्स ओके आई थिंक जस्ट टू लाइन फिल्मों का भी आप गुनगुना सकते हैं हां मैं आई सिंग अनदर सॉन्ग व्हिच आई लाइक या ओके आई थिंक दैट लिखे जो खत तुझे जो तेरी याद में लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए सवेरा जब हुआ तो फूल खिल गए जो रात आई तो सितारे बन गए लिखे जो खत तुझे थैंक यू सुपर आई विश कि हम आपको जल्दी सिंगिंग की दुनिया में भी डेब्यू करते हैं अरे क्या क्या करूंगी एक्टिंग ही काफी है एंड आज एक आखिरी जाते आते आज 2 अक्टूबर है गांधी जयंती तो ऐसे मानती हैं आप अनुरिता जी कि प्रेजेंट टाइम में ऐसे गांधी जी के जो थॉट थे गांधी जी के जो विचार थे ऐसे हमारी सोसाइटी में ऐसे हमें देखने को मिल रहा है एज एन एक्टर इन सारी चीजों पे कितना देखती हैं कितना सोचती हैं मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो है ना सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो है लोगों को सोशल मीडिया से थोड़ा ब्रेक लेने की 24 घंटे इंसान फ़ोन पे रहेगा तो क्या होगा और बिकॉज लोग 24 घंटे रहते हैं इसीलिए उनके लिए और कंटेंट क्रिएट किया जाता है और अच्छी चीज़ें लोगों को ज़्यादा देर अट्रैक्ट नहीं करती हैं इसीलिए नेगेटिव कॉन्टेंट ज़्यादा क्रिएट किया जाता है तो जब तक ये लोगों को समझ नहीं आएगा कि दे नीड टू अंडरस्टैंड वॉट इज़ राइट एंड रॉन्ग कॉन्स्टेंटली कॉन्टेंट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है यू नो व्हाट आई एम सेइंग बिकॉज यू सी द यूथ इज़ नॉट वेरी हैप्पी द यूथ इज़ नॉट वेरी पॉजिटिव दे आर कॉन्स्टेंटली सीकिंग वैलिडेशन थ्रू द सोशल मीडिया फिल्टर्स के ऊपर फिल्टर्स लगाते हैं लड़कियाँ ताकि वो सुंदर दिखें मिसयूज़ होते हैं क्योंकि उनके दिमाग में ये चीज़ घुस गई है कि वो सुंदर नहीं है जबकि दिस इज़ द ये किसने क्रिएट किया है सोशल मीडिया ने राइट सो माई पॉइंट इज़ आज की डेट में गांधी जी के तो थॉट्स तो हैं ही हैं वो तो बहुत डीप चला गया वो बात कि आप वायलेंस मत करिए अभी लोगों को सबसे ज़्यादा ये ज़रूरत है कि आप एक्सेप्टेंस करिए जो हैं उसमें आप प्लीज़ बी हैप्पी एंड यू नो ट्राई टू सी द ब्यूटी इन यू एंड अदर्स अराउंड यू एंड नॉट कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइज That is the biggest thing. Everybody is trying to fight. I don't know for what. So I think we need to be having a better, happier place. And loving and compassion. Matlab hum log bahut zyada constrict ho gaye hain. We just try to... Humari soch, jo main dekhti hu, wohi ho gayi ki ye dost hain, so yehi hai, to kya kaam nikal sakta hai. That should change. We should be more giving. We should see things in a positive light. Rather than constantly questioning it. Kyun, 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 you know? चलिए सो जाते आते हमारे आपके फैंस हैं उनको कुछ कहना चाहेंगे हाँ मैं कहना चाहूँगी कि खुश रहिए और हैव अ गुड हैप्पी लाइफ हैव डू सम फिजिकल एक्टिविटी और मुझे जो भी मेरी वेब सीरीज फिल्म जो आए प्लीज सब देखिए बाय थैंक्स थैंक यू जी थैंक यू थैंक यू आई एम ग्लैड